इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के खानपुर से, जहां पे खानपुर क्षेत्र के गांव नगला इमारती फ्लाईओवर के पास एक बाइक सवार पर तीन नकाबपोश बदमाशों ने खनन कारोबारी की कार पर फायरिंग कर दी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पे बदमाशों ने खनन कारोबारी की कार पर फायरिंग कर दी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, खानपुर से बता दें कि खनन कारोबारी ने भागकर वहां से अपनी जान बचाई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बता दें कि ताबड़तोड़ गोलियों की चपेट में आया एक राहगीर ताबड़तोड़ गोलियों की चपेट में आ गया और इसके वजह से भीड़ इकट्ठा होने पर वहां से जो बदमाश है वो भाग गए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, शांत शाह का रहने वाला है खनन कारोबारी है वो शांत शाह का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं इस पूरे घटना को लेकर मौके पर पुलिस बल पहुंच चुके। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, खानपुर से जहां पे घटना को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां पे पुलिस मौके पर मौजूद हो गई है। खानपुर क्षेत्र के गांव नगला इमारती फ्लाईओवर के पास बदमाशों ने खनन कारोबारी की कार पर फायरिंग कर दी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं खानपुर से, और कारोबारी ने जान वहां से अपनी बचाई भागकर वहां से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बता दें कि उसके कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चली और उसकी चपेट में एक राहगीर आ गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और वहां पे जब भीड़ इकट्ठा हुई तो वहां से बदमाश भाग निकले। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, शांत शाह का रहने वाला जो खनन कारोबारी है उसको बताया जा रहा है कि वो शांत शाह का रहने वाला है, और वहीं घटना को देखते हुए पुलिस वहीं पे मौके पे पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं खानपुर से, जहां पे खानपुर क्षेत्र के गांव नवला इमारती फ्लाईओवर के पास एक बाइक सवार पर तीन नकाबपोश बदमाशों ने खनन कारोबारी की कार पर फायरिंग शुरू कर दी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और खनन कारोबारी जो है वो अपना जान बचाकर वहां से भागा। बदमाशों ने खनन कारोबारी पर निशाना चुकने के बाद उसकी कार पर ताबड़तोड़ गोली चलाई और जिसकी चपेट में एक राहगीर आ गया वहां पे। और बता दें कि भीड़ इकट्ठा होने पर वहां से भाग निकले जो बदमाश है वो। वही इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ खानपुर से हमारे संवाददाता सुशील कुमार झा जुड़ चुके हैं। सुशील, जैसा कि हम देख सकते हैं कि वहां पे मौके पर पुलिस सुरक्षा बल पहुंच चुकी है और एक खनन व्यापारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है, पूरा मामला क्या है एक बार विस्तार से बताइए। देखिए, खनन कारोबारी का जो है खानदानी जो है ये कारोबार है, उससे पहले भी उनके बड़े बुजुर्ग इनको कारोबार का करते। आज ये जो खनन कारोबारी ने खनन का जो परमिशन जो है ग्राम गाधौराना खानपुर क्षेत्र में पड़ते हैं वहां की थी, तो लगातार दो तीन दिन से खनन चल रहा था। तो आज किसी व्यक्ति का उसकी लक्षर मार्ग ब्रिज के पास जो और वहां पर इंतजार कर रहा था, लेकिन नकाबपोश तीन बदमाश वहां पर पहुंचे और उसको बुलाने का इशारा किया, लेकिन खनन कारोबारी ने उनको भांप लिया और पास के ही गांव नगला इमरती के किसी घर में जा घुसे। तो उसे उसके उस पर गुस्साए खनन कारोबारी पर जो है बदमाशों ने उसकी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी। क्या फायरिंग करते समय एक राहगीर उनके चपेट में आ गया। राहगीर पास के गाधौराना गांव का बताया जा रहा है, हालांकि उसको हालत गंभीर बताई जा रही है और हाई सेंटर की भी सूचना है। तो ऐसे में जो है तमाम पुलिस बल वहां पर मौजूद है, क्षेत्र के इंस्पेक्टर और जो भी मौजूद थे, लेकिन अभी तक उनका बदमाशों का जो है पता अभी कोई सूचना नहीं मिल पाई है। बड़ी गंभीर विषय बात का है कि हाईवे पर स्ट्रीट लाइट भी खराब पड़ी थी और आसपास हाईवे का भी कोई सीसीटीवी वहां पर मौजूद नहीं था, ये बड़ी लापरवाही भी मानी जा सकती है। हालांकि अभी जो है खनन कारोबारी का कहना है कि अगर सामने बदमाश आए तो उनको पहचानने में जो है सक्षम रहेंगे, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई जानकारी जुटाई जा रही है, अभी तक कोई भी अभी तक बदमाशों का पता नहीं चल पा रहा है। जी, जो सुशील, जो खनन कारोबारी से ये जुड़ा जो विवाद है, उसका कारोबार से ये विवाद जुड़ा है या फिर ये हो सकता है कोई व्यक्तिगत दुश्मनी हो, क्या लग रहा है? देखिए, ये भी जानकारी जुटाई गई कि खनन कारोबारी के अक्सर विवाद रहते हैं, लेकिन अभी तक जो खनन कारोबारी है उसने कहीं भी अभी तक इस तरह का कोई भी संदेह नहीं बताया कि किसी खनन कारोबारी के दूसरे जो है किसी पे आरोप लगाया हो या कोई पुरानी दुश्मनी बताई हो। अभी तक तो उन्होंने इस तरह की कोई भी सूचना पुलिस को या प्रेस को नहीं दी है। तो जी, और इसको लेके जो ग्रामीण है उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है सुशील? देखिए, ग्रामीणों की जो है प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम जो है यहाँ पर घटना घट चुकी है और जो बाईपास का हाईवे है उस पर भी कई
गोली चल चुकी है, मर्डर भी हो चुके हैं और आज ये भी ताजा मामला है जिस पर जो है बड़ी जो है घटना घटी है। तो ऐसे में जो है ग्रामीण कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है और अक्सर उन्होंने ये माहौल जो है कई बार देख चुके हैं तो उसको कहीं ना कहीं सवाल निशान तो खड़े ही होते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना सारा जानकारी साझा करने के लिए। मामला खानपुर का बताया जा रहा है जहां पे बदमाशों ने खनन व्यापारी की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और खनन व्यापारी वहां पे अपना जान बचाकर भागा। बता दें कि उस पे हमला चुकने के बाद से उसने उसके ताबड़तोड़ फायरिंग की उसकी गाड़ी पे और जिसकी चपेट में वहां पे जा रहा एक राहगीर आ गया जिसकी हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि घटना के तुरंत बाद भीड़ इकट्ठा होने के बाद से वहां पे जो आरोपी है वो जो हमलावर है वो वहां से भाग निकले। शांत शाह का वो जो खनन व्यापारी है उसको बताया जा रहा वहां का रहने वाला है। वहीं पे इस पूरी घटना को देखते हुए पुलिस बल मौके पर पहुंच चुकी है और इसकी तहकीकात जारी है।